बिहार के 11 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अभी मॉनसून कमजोर है, इससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बिहार के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वो उत्तर पूर्वी असम की ओर शिफ्ट हो गया है, इसलिए प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। मॉनसून की अक्षय रेखा अभी समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर जैसलमेर, अजमेर, गुना होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र भी कमजोर दिखाई देने लगा है। राजधानी पटना में औसत से 46% कम बारिश हुई है और यहां पर 201.1 mm बारिश हुई है, जबकि 23 जुलाई तक औसत बारिश 372.8 mm थी। यानी कि बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मॉनसून जो है कमजोर पड़ गया है, अभी और भी उमस भरी गर्मी से लोगों को तपना होगा और अब तक 28% कम बारिश हुई है। जी हाँ, बता दें कि बिहार के 11 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अभी मॉनसून कमजोर है और इससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान भी रहने वाले हैं। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बिहार के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अब शिफ्ट हो गया है और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल बारिश की संभावना कम रहेगी। अब बता दें कि आज किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वो जिले हैं अरवल, बक्सर, गोपालगंज, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर और सिवान। कहाँ कितनी बारिश हुई ये भी जानने की ज़रूरत है, तो उसमें किशनगंज की तरफ बढ़ते हैं। तो किशनगंज में 37.6 mm, खगड़िया में 36.4 mm, मधुबनी में 28.6 mm, पूर्णिया में 21.8 mm और बक्सर में 19.2 mm और पूर्वी चंपारण में 17.2 mm बारिश की संभावना है। वहीं प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान क्या रहने वाला है ये भी बता देते हैं। सीतामढ़ी में 36.8, पटना में 33.8, गया में 34.5, भागलपुर में 33.8, पूर्णिया में 34.5, मुजफ्फरपुर में 33, रोहतास में 33.6, नवादा में 34.01 और समस्तीपुर में 33, अरवल में 34.6। बता दें कि मॉनसून सीजन यानी कि जून से दिसंबर तक में 992.2 mm बारिश होनी चाहिए, जो 2024 में 108% बारिश के ही अनुमान जताए गए हैं और मौसम विभाग यानी कि IMD 96 से 104% का जो है रिकॉर्ड बताया है और बारिश को सामान्य मानता है। ये फसलों के लिए भी अच्छा संकेत है। यानी कि बिहार को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही है।